देखिए, बात रंग की नहीं है, बात मानसिकता की है। इस फिल्म को इसीलिए सिर्फ और सिर्फ टारगेट किया जा रहा है क्योंकि उसमें जो स्टार करते हैं वो नाम एक मुसलमान नाम है, और ये एक जो ज़्यादा बड़ा इससे जो प्रॉब्लम है, जो विवाद चल रहा है, उसका एक सिम्टम है। जो चीज़ हमने देखा है कि किस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों के लिए मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, रास्ते पे अगर वो फ्रूट बेच रहे हैं या चूड़ियाँ बेच रहे हैं तो उन्हें मारा पीटा जाता है, बिना किसी कारणों के उनके घर डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं, कोई लॉ एंड ऑर्डर उसमें अप्लाई नहीं करता है, तो उसी का एक छोटा सा सिम्टम ये है जिसका एक उन्होंने एक विवाद और एक मुद्दा बनाया है, और कुछ भी नहीं है। इस साल में पहले ही हमने देखा है कि किस तरीके से उनके बेटे को भी एक अनफेयर तरीके से टारगेट किया गया, और बाद में ये रिपोर्ट निकल के आता है कि जो उनका पूरा टारगेटिंग हुआ था, जो पूरा प्रोफाइलिंग हुई थी, वो गलत तरीके से की गई थी। ये NCERB का खुद का रिपोर्ट आता है, तो हमें पता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है और मानसिकता क्या है। लेकिन मान ले जाए भगवा संगठन आंदोलन कर सकते हैं, ठीक है, विरोध करिए, लेकिन यहाँ सरकार भी तो विरोध कर रही है, सरकार के तमाम मंत्री नेता इस पर बयान दे रहे हैं। जी, और वही बात है, यहाँ पे आज देश में जो जिस डेवलपमेंट की ये लोग बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, उनके मुद्दों को छोड़कर अगर इन इश्यूज़ पे, इन चीज़ों पे ये विवाद कर रहे हैं, तो हमें इनसे पूछने की ज़रूरत है कि आज ऐसे समय में जब इतनी ज़्यादा महंगाई है, जब इतनी ज़्यादा बेकारी है लोगों में और इतना रोष है इन सारी चीज़ों को लेकर, उस समय में आपको ये मुद्दे आपको लग रहे हैं कि ऊपर उठाने चाहिए। ऐसी हज़ार फिल्में आती है जहाँ पर लोग एक पर्टिकुलर रंग का कपड़ा पहनते हैं, क्या हर फिल्म पर आप बैठ के प्रोटेस्ट करते हैं, विवाद करते हैं? ऐसा तो नहीं होता है। क्यों एक समय पे, अगर आप देखेंगे कि जिस समय में शाहरुख खान के बेटे को टारगेट किया गया, उसी समय में किस तरीके से यूपी में किसानों के ऊपर गाड़ियां चलाई गई थी और इन्हीं के मंत्री और उनके बेटे ने गाड़ी चलाई थी, और हमें पता है कि किस तरीके से देश भर की जनता को न्यूज़ से भटकाने के लिए ये चीज़ पूरा किया गया था, और हमें पता है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इन्हीं की माउथपीस बन के रह गई है, तो किस तरीके से ये लोग डिस्कोर्स सेट करते हैं वो आप शायद लोगों को आइडिया हो। लेकिन ये जो विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं दीपिका JNU गई थी टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करने, ये बड़ा एजेंडा बना रहे हैं। जी बिल्कुल, ये एजेंडा बनाएंगे ना, किस समय में दीपिका गई थी, जिस समय में 5 जनवरी 2020 में इन्हीं के भगवाधारी गुंडे आके मुँह पर मास्क, मुँह ढक के आकर लोगों का सर फोड़ते हैं, जो JNUSU की प्रेसिडेंट थी उनका सर फोड़ा जाता है, स्टूडेंट्स को पीटा जाता है, टीचर्स को पीटा जाता है, उसी के अगेंस्ट में एक प्रोटेस्ट हो रहा था जहाँ पे दीपिका पादुकोण गई थी समर्थन करने के लिए, और सिर्फ शांतिपूर्वक वहाँ 5 मिनट शायद खड़ी रही होंगी और कुछ भी नहीं। और क्यों इतना बड़ा मुद्दा है अगर देश में एक फिल्म इंडस्ट्री से कोई अभिनेता जाके अगर एक स्टूडेंट मूवमेंट में सपोर्ट देता है, ये इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन रहा है? ये हमें पूछना है। वो कह रहे हिंदू संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, पूरे गाने में नंगता का प्रदर्शन किया गया। तो ये पहला सिनेमा है या पहला गाना है जिसमें इस तरीके का प्रदर्शन किया गया है? क्या CBFC ऐसे हजारों गाने हर साल नहीं पास करता है? पास तो करता है ना, ये चीज़ हो रही है, एक बोर्ड है, एक बॉडी है हमारे देश में जिसको रखा गया है इस चीज़ के लिए, इस काम के लिए, तो क्यों है कि इस चीज़ को? असल मुद्दा आपने खुद ही ठीक से बोला कि असल मुद्दा यही है कि दीपिका पादुकोण JNU गई थी, इसीलिए दीपिका पादुकोण को टारगेट करने की जरूरत है। गृह मंत्री जो नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने बीजेपी के टुकड़े गैंग का सदस्य बनाया, जी जी, ठीक है, उसके ऊपर उन्होंने जवाब दिया कि हम प्रधानमंत्री को बैन भी करना चाहते हैं मध्य प्रदेश के अंदर। गृह मंत्री होकर के इस तरीके का जी बयानबाजी कर रहे हैं, हाँ, क्या तो उनसे यही पूछने की जरूरत है ना कि आपके आज भी अगर आपने प्रोग्राम में देखा होगा तो APCR के नदीम खान ने बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे उठाए कि मध्य प्रदेश में खारगोन जैसे जगह पे किस तरीके से मुसलमानों को सिर्फ पीटा नहीं गया बल्कि उनके घर भी उसके बाद डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं रामनवमी के दौरान, क्या कार्रवाई होती है इस स्टेट के इन मंत्रियों के थ्रू? हमें ये पूछने की ज़रूरत है इनसे जब ये ऐसे विवाद बनाते हैं कि असल में जो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है आपके स्टेट में उसके बारे में आप क्या कर रहे हैं, असल में जो भुखमरी है देश में उसके बारे में आप क्या कर रहे हैं, क्या ये सच में इस देश के सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे होने चाहिए, क्या मीडिया को इन चीज़ों के बारे में बात करना चाहिए, ये हमें पूछना है। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है ना मैम कि महिला नेता जो भी है बीजेपी की वो ज़्यादा नहीं बोल रही, बशर्ते साध्वी प्रज्ञा वगैरह को छोड़ के, लेकिन जो मर्द नेता है जो महिला के कपड़े पे लेंस ताने बैठे हुए हैं, जी ये क्या है, ये
ये उनकी मानसिकता दिखाती है, एक मनुवादी सोच का उनका प्रतीत है ये चीज़ कि किस तरीके से महिलाओं के देह को वो कंट्रोल करना चाहते हैं, औरतों के शरीर को कंट्रोल करना चाहते हैं, पुलिसिंग करना चाहते हैं कि किस तरीके के कपड़े पहने जाए ना पहने जाए, और इसी मानसिकता को रेप कल्चर बोला जाता है। जब हम देखते हैं कि देश में रेप के इंसिडेंट्स होते हैं और ये स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं कि उसे रात में नहीं निकलना चाहिए था, ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए थे, मैगी नूडल खाने से रेप होता है, जब ऐसे स्टेटमेंट्स ये लोग देते हैं तो मानसिकता पता चलती है, और उसी मानसिकता का एक हिस्सा ये भी है। तो वो क्या धर्म के ठेकेदार हैं, हमें उनसे ये पूछने की ज़रूरत है। इस देश में मेजॉरिटी जनता जो है वो उसी धर्म से बिलोंग करती है ना, क्या मेजॉरिटी जनता आज देश भर में इन्हीं चीज़ों पे सड़कों पे उतर के आ रही है कि दीपिका पादुकोण ने एक फिल्म में कैसे कपड़े पहने? नहीं। और जो मुद्दे असल में जिन मुद्दों के वजह से उतर के आ रही है, उन मुद्दों को तो कोई कवर नहीं करता है। जब आशा वर्कर्स को महीनों पैसे नहीं मिलते, आप उनसे इतने इनह्यूमन तरीकों से काम कराते हो, तब तो कोई देश भर में इन चीज़ों पे चहल पहल नहीं होती है। तो हमें ये सवाल उठाने की ज़रूरत है कि किस चीज़ को मीडिया में डिस्कोर्स बनाया जाए। इन नफरतों का सलूशन हल क्या है? सलूशन और हल तो यही होगा सर कि जब देश भर में जो आवाम है वो अगर जगे और सच में जो मुद्दे हैं वो उन मुद्दों को लेकर सच में सड़कों पर रोष दिखाए, तभी एक कुछ हो सकता है। एकजुट होकर अगर हम रोष दिखाएं, और आज जिस तरीके से ये इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ वो भी कहीं ना कहीं उसी चीज़ में एक कंट्रीब्यूशन है कि हम अपना रोष जताएं। यहाँ पे बात ये है ना कि चाहे वो एक ग्राउंड लेवल पे आम रोजगार का मजदूर हो, मतलब जो चूड़ी बेचने वाला हो जिसे टारगेट किया जा रहा है, या जो कचरा उठाने वाला हो जिसे टारगेट किया जा रहा है, या कोई सुपरस्टार हो बॉलीवुड इंडस्ट्री का, बात नाम में है। अगर उनका नाम मुसलमान नाम है तो उन्हें टारगेट किया जाएगा। अगर आप जाकर ट्विटर पे ट्रोल्स देखें, जो लोग शाहरुख खान के बॉयकॉट पठान को चला रहे हैं, उनका कहना क्या है, वो क्या बातें कह रहे हैं, और किस चीज़ को शाहरुख खान के बारे में टारगेट किए जा रहे हैं। आज दुनिया भर में शाहरुख खान का नाम जाना जाता है, एक सबसे बड़े स्टार माने जाते हैं, उन्हें ऑनररी PhD दी गई है, बहुत सारी चीज़ उन पर किताबें लिखी गई है, क्यों उन्हें टारगेट किया जा रहा है? क्यों ऐसा है कि किसी और स्टार की फिल्म में अगर ये सारी चीज़ें होती है तो उन्हें टारगेट नहीं किया जाता? डिफरेंस कहा गया, देखिए बात मुस्लिम लॉबी या मुस्लिम एक्टिविस्ट की नहीं है। यहाँ पे अगर जो लोग इकट्ठा हुए हैं वो सारे मुस्लिम लॉबी के या मुस्लिम एक्टिविस्ट नहीं है। यहाँ पे एक बहुत प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट भी थी पैमेला, जो इस इवेंट को कंडक्ट कर रही थी। यहाँ पे और भी लोग थे यहाँ पे जो सहमति देने आए हैं, जो मुसलमान नहीं है। बात यह है कि आज सबसे ज़्यादा अगर टारगेटिंग किया जा रहा है तो वो मुसलमानों का किया जा रहा है, इसे आप डिनाई नहीं कर सकते। अगर देश भर में अलग अलग शहरों पर पहले घर तोड़े जाते हैं, उसके बाद उस पर कार्रवाई होती है कि क्यों घर तोड़ा गया, और जब देखा जाता है कि कार्रवाई कितनी गलत तरीके से हुई है, कितने सारे प्रॉब्लम्स और लैप्सेस है उसमें, तब आप इस बात को समझेंगे कि सच में यहाँ पे पुलिस जो है वो सिर्फ आपकी आइडेंटिटी देख के, जो चीज़ हमारे मंत्री भी ये चीज़ कहते हैं कि लोगों को उनके कपड़ों से पहचाना जा सकता है, उनके वेशभूषा से पहचाना जा सकता है, तो हम उसी बात को यहाँ से काउंटर करना चाहेंगे कि वेशभूषा की आप जब बात करते हैं, हम भी ये चीज़ मानते हैं कि जो लोग वर्दी में होते हैं वो इस तरफ जो जनता होती है उनको भी इसी चीज़ पे टारगेट करते हैं कि उनका धर्म क्या है, उनकी आइडेंटिटी क्या है, उनकी जाति क्या है। अच्छा मैडम, क्यों मुसलमान ही क्यों? क्यों हम यहाँ पे दलितों की बात नहीं कर रहे हैं, हम आदिवासियों की बात नहीं कर रहे हैं? हाथरस में जब रेप होता है तो क्यों जबरन जाके यूपी पुलिस पहले बॉडी वहाँ पे जलवा देती है और उसके बाद कहती है कि नहीं, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए अवेलेबल नहीं है, पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट्स आती हैं वो गलत आती हैं? क्या हम यहाँ दलितों की बात नहीं कर रहे हैं? क्या आदिवासियों की बात नहीं कर रहे हैं? हम इसे दलित मुस्लिम इसमें ही क्यों बांटते हैं, इंसानियत को क्यों नहीं कहते? इंसानियत का मतलब क्या होता है? जो लोग टारगेट हो रहे हैं उनकी तो एक सर्टेन आइडेंटिटी है ना, बिल्कुल उनकी पहचान है, आप उस पहचान को डिनाई करेंगे? क्या उनकी पहचान नहीं है ये? आप ये क्यों नहीं कहते वहाँ एक इंसानियत? इंसानियत का मतलब क्या होता है सर? अगर आप जाके देखेंगे जेल में, अगर आप परसेंटेज देखेंगे ना जो लोग अरेस्टेड हैं, और उनका अगर आप एक सर्वे करेंगे तो आप देखेंगे जो मैक्सिमम परसेंटेज लोग हैं वो इन्हीं कम्युनिटीज से आते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा टारगेटिंग क्यों हो रहा है, क्या आप बता पाएंगे? 0.1% जो UAPA का है ना कन्विक्शन रेट होता है, आपको ये बात पता है? 0.1% कन्विक्शन रेट होता है, और सालों ये लोग गुजारते हैं। कुछ दिन पहले की बात है, 28 साल जेल में रह के, 14 साल जेल में रह के मुसलमान लोग बाहर आते हैं और कहते हैं कि ये एक्विटेड है, इन पे कोई चार्जेस नहीं थे। तो बिल्कुल इनकी आइडेंटिटी, और हमें इन आइडेंटिटीज़ को उठा के बात करना होगा, और सिर्फ इनकी आइडेंटिटी नहीं, दूसरे लोग जो इनको इस शोषण कर रहे हैं, जो इनके ऊपर ये अटैक कर रहे हैं, जो इन्हें ओप्रेस कर रहे हैं, उनकी आइडेंटिटी की भी बात करना ज़रूरी है। हाथरस में जिस महिला का रेप हुआ वो दलित थी, लेकिन जिन लोगों ने उनका रेप किया वो अपर कास्ट थे, ये बात भी हमें करने की ज़रूरत है। बिल्कुल आइडेंटिटी मैटर करती है।
श्रद्धा मामले में क्या कहेंगे? क्यों नहीं श्रद्धा मामले में हम बात करेंगे, वहाँ पे एक महिला का जिस तरीके से ये हुआ, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो मुसलमान नहीं हो, हम बिल्कुल उस चीज़ को कंडेम करेंगे। इतनी बर्बरता से उस चीज़ के बारे में बात की गई।